हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, जो हमारा फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम होना है क्लास ट्वेल्थ का, उसमें पेपर का पैटर्न कैसा होना है, यानी कि जो टर्म फर्स्ट का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, पेपर का पैटर्न कैसा होना है, ईच सब्जेक्ट का सीबीएसई ने डिस्क्लोज कर दिया है कि किस तरह का पेपर आना है, यानी कि पेपर का पैटर्न क्या होना है। जैसे कि पहले ही हमने जो न्यूज़ आई थी पहले उसमें ही बताया था पहले के, और पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी जब सिलेबस आया था, सीबीएसई ने सिलेबस जो है वो बताया था कि फर्स्ट टर्म का सिलेबस क्या होना, सेकंड टर्म में क्या होना है, उसमें थोड़ा पेपर का पैटर्न दिया था, बट वहाँ पर ये नहीं बताया था कि टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे, यानी कि ये तो बताया था कि एक कितने मार्क्स का होना है और कितने क्वेश्चन आएंगे, बट ये नहीं था कि कितनी चॉइस होंगी क्वेश्चन पेपर के अंदर। ठीक है, अब बिल्कुल जो है जो जैसा आना है सैंपल क्वेश्चन पेपर बोर्ड का टर्म फर्स्ट का, उसका सैंपल पेपर लॉन्च कर दिया है। अब देखिए उसमें क्या है, देखो हम बात कर रहे हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर क्लास ट्वेल्थ सेशन 2021 एंड 22 सब्जेक्ट मैथ्स कोड 041। कोड जब जो पेपर का कोड है आपका मैथ का ये है, यानी कि टर्म फर्स्ट का जो क्वेश्चन पेपर है, जो पैटर्न है वो उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर कि किस तरह का आना है। अब देखिए इस क्वेश्चन पेपर को जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी कि क्वेश्चन पेपर को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, ए बी और सी, यानी कि तीन सेक्शन बनाए गए। अब सेक्शन ए जो है, सेक्शन ए के अंदर टोटल 20 क्वेश्चन हैं, सेक्शन ए के अंदर 20 क्वेश्चन हैं, और एक ईच क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का है, यानी कि 20 क्वेश्चन हो गए, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का हुआ। अब आपको जो है इसमें से एनी 16 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, यानी कि 20 में से आप 16 क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगी तो आपको चॉइस मिल जाएगी कि 20 में से आपको 16 अटैम्प्ट करने हैं तो 4 की चॉइस मिलेगी, 4 आप जो है छोड़ सकते हो कोई से भी। अब इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन ए जो हो जाएगा आपका वो 16 मार्क्स का हो जाएगा, टोटल जो होगा वो 16 मार्क्स का होगा। इसी तरह से सेक्शन बी में क्या है, इसके अंदर भी 20 क्वेश्चन हैं, ठीक, वो यहाँ भी ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, और वही तरीका कि इसमें भी आपको एनी 16 क्वेश्चन अटैम्प्ट करनी है, आपको एनी 16 क्वेश्चन टू बी अटैम्प्टेड। ठीक, अब ये जो सेक्शन बी है ये भी आपका 16 मार्क्स का हो जाएगा, ओके, यानी कि सेक्शन ए है वो भी 16 मार्क्स का हो गया, सेक्शन बी है वो भी 16 मार्क्स का हो गया। अब हम बात करेंगे सेक्शन सी की, सेक्शन सी में जो है वो 10 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है, और ये जो 10 क्वेश्चन हैं ये केस स्टडीज के हैं, यानी बेस्ड ऑन केस स्टडीज। अब इसमें क्या होगा कि आपको 2 केस स्टडी गिवन है और 1 केस स्टडी के अंदर 5 क्वेश्चन हैं, 1 केस स्टडी के अंदर 5 क्वेश्चन है, 2 केस स्टडीज के अंदर 10 क्वेश्चन हो गए, आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी है, यानी कि 1 केस स्टडी से आप 4 क्वेश्चन करोगे और सेकेंड वाली केस स्टडी से आप 4 क्वेश्चन करोगे, यानी कि टोटल जो हो जाएगा आपका केस स्टडीज से बन के आ जाएगा वो 8 मार्क्स का हो जाएगा, यानी कि 16 मार्क्स का जो हो गया पार्ट ए यानी कि सेक्शन ए, 16 मार्क्स का सेक्शन बी और 8 मार्क्स का सेक्शन सी, यानी कि टोटल ये 40 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है, पूरा मल्टीपल चॉइस होगा, ये भी ठीक है, ये भी याद रखना आपको कि पूरा पेपर जो है मल्टीपल चॉइस होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होगा, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी आपको, कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। कभी ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि नेगेटिव मार्किंग ना हो, पता नहीं होता और क्वेश्चन करके गलत आ गए तो हमारे मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा पेपर जो है वो नो नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, सारा मल्टीपल चॉइस का होगा और आपको चॉइस भी है क्वेश्चंस में, जैसे 20 में से 16 करना, 20 में से 16 करना और 10 में से आपको 8 करना है। तो ये पेपर पैटर्न है क्लास 12th का मैथ का टर्म फर्स्ट का, ठीक है, और इसकी ड्यूरेशन 90 मिनट्स होगी और 40 मार्क्स का पेपर होना है आपको, ओके। देखिए गाइस, जैसा पेपर आना ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन अच्छी मिलती रहे। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, या इसमें कोई आपको प्रॉब्लम दिख रही तो उस चीज़ को कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है, जिससे कि हम अपनी आने वाली वीडियोज़ में उन कमी को दूर कर सकें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस।